पिछले वीडियो में हम लोग फिश प्रॉपर्टी देखे थे और फिश प्रॉपर्टी हम लोग रिजिड बॉडी और क्लॉथ देखे थे। आज हम लोग उसी के आगे देखेंगे। आज हम लोग डायनेमिक पेंट देखेंगे और फ्लूड देखेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। फ्लूड से ही शुरू करते हैं। इस प्रॉपर्टी में फ्लूड कैसे वर्क करता है उसके बारे में आज जानते हैं। इससे पहले तो इसको स्केल कर लेते हैं, स्प्रेस करके इतना स्केल कर लेते हैं। और स्केल करने के बाद अप्लाई कर लेते हैं, कंट्रोल ए प्रेस करके अप्लाई कर लेंगे और ट्रांसफॉर्मेशन। अब इस पे हम लोग फ्लूड में जाएंगे और ये हमारा कंटेनर है। अभी हम लोग ये कंटेनर की तरह इसको यूज करेंगे। तो इसको हम लोग डोमेन डोमेन जो है ये हमारा कंटेनर की तरह यूज करता है। कोई भी हम लोग फ्लूड का काम करेंगे तो ये हमारा डोमेन में ही होगा। ठीक, इसको हम लोग डोमेन कर लेंगे। डोमेन करते ही देखिए हमारा वायर फ्रेम मोड में आ गया। तो ये हमारा एक डोमेन हो गया। एक और ऑब्जेक्ट हम लोग इसमें ऐड कर लेते हैं, जो चलिए हम क्यूब ही कर लेते हैं और इसको स्केल कर लेते हैं जी जेड से ऊपर कर लेते हैं। ठीक, और इस पे अभी हम लोग फ्लूइड अप्लाई करेंगे। ये हमारा इसमें से फ्लो होगा, इसको हम लोग फ्लो कर लेंगे। ये तो हमारा बड़ा वाला क्यूब डोमेन हो गया और ये छोटा वाला क्यूब हम लोग फ्लो हो गया। इसमें से हम लोगों का फ्लो हो गया, मतलब इसमें से हम लोगों का और वाटर निकालते हैं या गैस निकालते हैं या फिर फायर निकालते हैं तो ये हमारा इसी में से निकलेगा और ये कंटेनर में जाके एकोमोडेट हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा अभी स्मोक दिया हुआ डिफॉल्ट, इसको हम लोग चेंज करते हैं और लिक्विड कर देते हैं। ज्योमेट्री में हम लोग इनफ्लो करेंगे। इनफ्लो का मतलब हमारा इसमें से निकलेगा और लगातार निकलेगा और आउटफ्लो में हमारा अंदर की तरह उसमें जाएगा और ज्योमेट्री में एक बार गिरेगा बस, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। हम लोग इनफ्लो करेंगे, हम लोग लगातार निकालना है। ठीक, अब इसमें जाते हैं हम लोग कंटेनर का, इसमें सेटिंग कर देते हैं। इसमें हम लोग डोमेन रखे हैं, डोमेन टाइप हम लोग इसमें कर देते हैं लिक्विड, क्योंकि हम लोग इसमें लिक्विड लाना है। और ये हमारा सब रेजोल्यूशन है टाइम स्केल, इसको हम लोग नहीं छेड़छाड़ करते हैं, डिफॉल्ट ही रन देते हैं। देखिए नीचे हमारा कोलिजन है, फ्रंट साइड ये सब ठीक चेकआउट चेक होना चाहिए। देखिए हमारा फ्रेम वन सेफ इंड फ्रेम जो है हमारा 250 है, इसको हम लोग डिक्रीज कर लेते हैं वन 150 पे कर लेते हैं। ठीक, ये हमारा टाइप जो है रिप्ले, इसको मॉडलर करते हैं। मॉडलर से हमारा होगा ये रिज्यूमेबल भी कर देते हैं और इसको हम लोग यहाँ ऊपर से बेक डाटा, इस जितने भी डाटा हम लोग सेट किए हैं इसको हम लोग बेक कर लेते हैं। बेक ये हमारा एक टर्म हो गया है जिसमें हम लोग कोई भी चीज़, कोई ऐसा समझिए किसी भी चीज़ को हम लोग बनाते हैं तो उस पर उसके बाद हम उसको बेक करते हैं। इसी तरह ये सारे जो ऑप्शन है या उसको हम लोग उसको अपने हिसाब से सेट करके उसको एक बेक करेंगे, उसको बनाएंगे, तो इसी में हम लोग बेक डाटा कर देंगे। देखिए हमारा बेकिंग होने लगा, यहाँ पे परसेंटेज बढ़ रहा है, ये हमारा बेक हो चुका है। ठीक, वायर फ्रेम मोड में जाते हैं। देखिए जैसे हमारा ये बेक हुआ, ये देखिए हमारा ये क्यूब के अंदर लिक्विड दिखने लगा और हम लोग प्ले करेंगे ये हमारा इनफ्लो होने लगेगा, ये पार्टिकल्स है वो इनफ्लो होने लगा। इसको
इसको हम सेट कर लेते हैं 150 पे, क्योंकि 150 फ्रेम तक ही हमारा बेक हुआ है। ये हमारा होने लगा। अभी ये हमारा लिक्विड जो है वो लिक्विड तो है, लेकिन ये वाटर की तरह नहीं दिख रहा है, ये हमारा पार्टिकल सिस्टम में दिख रहा है। इसको हम लोग वाटर में करने के लिए हम लोग यहाँ मेस में जाएंगे और मेस का सेटिंग करेंगे। ये जो है यूज फैक्टर 2 रहने देते हैं, डिफॉल्ट है पार्टिकल, सब सारे डिफॉल्ट रखने देते हैं। और इसको हम लोग इसको 0 पे ले जाके इस डेटा को भी बेक कर लेते हैं। ये जो हम लोग बेक किए हैं, ये हमारा ये पार्टिकल सिस्टम से हम लोगों का ये मेस सिस्टम में आ जाएगा, मतलब पार्टिकल की तरह नहीं दिखे, एक मेस दिखेगा। और मेस को हम लोग जो भी कलर देना चाहते हैं या जो भी चीज़ बनाना चाहते हैं लिक्विड में, या आपका वाटर हो गया या मिल्क हो गया या ऑयल हो गया, किसी भी तरह का हम लोग इसको मटेरियल देके उसको उस तरह का बना सकते हैं। देखिए ये जो हमारा हो गया, ये अब ये मेस हो गया, मेस सिस्टम में हो गया। देखिए हम लोग इसमें जाके देखते हैं सॉलिड मोड में, देखिए मेस, इसको हम लोग शेड स्मूथ कर लेते हैं तो ये हमारा स्मूथली दिखेगा। अभी तो हमारा कोई भी मटेरियल अप्लाई नहीं है, इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। हम लोग इसमें कुछ भी मटेरियल देखें, इसको हम लोग उस तरह का बना सकते हैं। जैसे ये हमारा वाइट बाय डिफॉल्ट है तो ये हमारा मिल्क की तरह दिख रहा है, मिल्क जैसा दिख रहा है। इसको हम लोग वाटर की तरह बनाना है तो इसमें हम लोग इस सेलेक्ट करके मटेरियल में जाएंगे और न्यू मटेरियल करते हैं। और ये वाटर का जो मेटालिक 0 रहेगा और रफनेस भी वाटर का 0 रहेगा, क्योंकि बहुत शाइनी होता है वाटर। और ट्रांसमिशन वाटर का हाई रहता है, इसमें ट्रांसमिशन हाई कर देंगे। IQR वैल्यू बढ़ाएंगे, ये देखिए हमारा वाटर की तरह दिखने लगा। ठीक, ये जो है हमारे ग्रीन इफेक्ट आ रहे हैं वो इसके वजह से आ रहे हैं, वर्ल्ड एटमॉस्फेयर की वजह से आ रहे हैं। कोई भी वर्ल्ड में डालेंगे तो उस तरह का हम लोगों का दिखने लगेगा। ठीक, तो चलिए फ्लूड में हम लोग इतना ही देखते हैं, आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग डायनेमिक पेंट के बारे में देखेंगे। इसको हम लोग हटाते हैं यहाँ से, फाइल्स न्यू करते हैं और आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, इसको बनाइए। नहीं समझ में आता है दोबारा वीडियो देखिए, बनाइए।